इस एपिसोड में हम पहली बार नेदर में गए, अब हम जाएंगे नेदर में। और हमारा मेन मिशन था कि हमें नेदर फोर्ट्रेस ढूंढनी थी सबसे पहले, पर जैसे कि तुम्हें पता है कि हर बार मेरे साथ कुछ ना कुछ अजीब चीज होती है, ओह शिट, तो इस बारे भी कुछ वैसा ही हुआ। ओके, अब ये मैंने थोड़ा स्कैम कर दिया, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा स्कैम कर दिया, छोटा मोटा भी नहीं। और हम 30 सब्सक्राइबर्स के काफ़ी क्लोज है, तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम्हें वीडियो पसंद नहीं आती है तो कोई बात नहीं। ओके, तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा सामान इकट्ठा करना पड़ेगा जो कि हमारे नेदर में काम आएगा, और मुझे वो भी एनचेंट करना था। कहाँ पे गई किताब? मल्टी शॉट बो पे नहीं लगेगा तो किस पे लगेगा? क्रॉस बो पे? अबे यार, अब मुझे क्रॉस बो बनानी पड़ेगी, एक मिनट। अब हम करेंगे अपना क्रॉस बो एनचेंट। उससे पहले मैंने तुम्हें एक चीज़ बतानी थी। टडा, मैंने पता नहीं कैसे कैसे 32 डायमंड्स इकट्ठे किए, और उसके साथ साथ मुझे और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिली। ओके, बो पे हम लगाएंगे, वो बो पे फ्लेम लग सकता है, पर 22 पे। ओके, तो मुझे पता है कि हमें एक्सपीरियंस कैसे इकट्ठा करना है। Here we go! Mamma mia! टाडा, 22 लेवल हो गया। और ये क्या था? ओह व्हाट द फक, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है? एक मिनट, आई थिंक मैं इसका कुछ कर सकता हूँ क्या? मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, इसे मारना ही पड़ेगा, एक ही रास्ता बचा है। ओह नो, इसने अटैक कर दिया है। और ओके, क्या मिला? बस सिर्फ एक गोल्ड नगेट। मुझे लगा था इससे कुछ और भी मिलेगा, पर चलो। ओके, हमारा बू कहाँ पे गया? फ्लेम, ओके डन। फायर एस्पेक्ट का कुछ ज़्यादा ही फायदा है, डायरेक्ट पका हुआ मीट मिलता है, नहीं तो ऐसे पकाना पड़ता है। अब हम जाएंगे नेदर में, चलो। और हमारी बिल्ली भी नेदर में ही है, मैं बताना भूल गया था। हमारा मिस्टर कैट गलती से नेदर में चला गया था। हेलो मिस्टर कैट, मिस्टर कैट को इधर ही बैठाना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ से डर्ट के ब्लॉक बिछाते जाएंगे ताकि हमें अपनी लोकेशन याद रहे। ओह शिट, मिस्टर बलूनी आ चुके हैं। मिस्टर बलूनी को हमें ख़त्म करना पड़ेगा, पर उसके चक्कर में मैं ही ख़त्म ना हो जाऊँ। ओह शिट, ये तो अपन ने स्कैम कर दिया। कच्चा चबा जाएंगे, ओके कच्चा चबा जाएंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, अब ये मैंने थोड़ा स्कैम कर दिया, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा स्कैम कर दिया, छोटा मोटा भी नहीं। यही हरकतें मैं हमेशा करता हूँ, और इन्हीं हरकतों से मैं हमेशा मरता हूँ। यहाँ से इनसे तो बच जाऊँगा, पर मिस्टर ओके, यहाँ से भी नहीं बचूँगा। ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स, ये सारे ज़ॉम्बी मुझे खाना चाहते हैं। ओके, आई थिंक अगर मैं थोड़ी देर यहाँ पे रहूँगा तो शायद ये भूल जाए, शायद। या ओके, नहीं, ओ आई थिंक मेरे नेदर में घूमने का सपना यहीं पे ख़त्म हो गया। मैं एक काम कर सकता हूँ, ना मनते हैं रिस्क से, सल्लू भाई की जाए। ओके, पूरी सेना मेरी तरफ आ रही है, पूरी सेना मेरी तरफ आ रही है, क्या मैं बच पाऊँगा? मिस्टर कैट आप भी मेरे साथ चलिए, ये लोग अच्छे नहीं हैं। अबे नहीं यार, मेरा सपना चकनाचूर कर दिया, फक। नहीं, क्या सपने सोचे थे मैंने, क्या से क्या हो गया। ज़्यादा देर तो मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, मेरे ख्याल से मुझे हम भाग जाएंगे, या सिंपल तरीका, हम भाग जाएंगे। पता नहीं कैसे, पर देखना पड़ेगा कैसे भागेंगे।
ओके मिस्टर कैट आ जाइए जल्दी 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 जल्दी, अब हम घर को वापस जाएंगे और आम शब्दों में मर जाएंगे। ओ शिट, जी हाँ मैं सही था, ये ज़ॉम्बी अपोकलिप्स है। ओके अगर ये यहाँ से गिर जाए सब के सब तो मैं फ़ायदे में रहूँगा। मिस्टर बलूनी आके मेरा बलून ना फोड़ दे। कम ऑन मिस्टर कैट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आई होप कि मिस्टर कैट भी मेरे साथ आ जाए। कम ऑन मिस्टर कैट, या कम ऑन मिस्टर कैट, मिस्टर कैट नहीं मिस्टर कैट। ओह शिट, आई एम सॉरी मिस्टर कैट, मुझे आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। शिट मिस्टर कैट नहीं आ पाए। ओ फक, मिस्टर कैट की जगह ये तो कुछ और ही आ गया। ओके ये मैंने कुछ अलग ही काम कर दिया। ओके हो गया फाइनली, मिस्टर कैट नहीं आ पाए। शिट, आई होप कि मैं जल्दी ही 30 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस।